हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, आज हम चलते हैं झारसुगुड़ा का सरबहाल और वहां का कुछ नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो नए हैं कोई हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिलहाल अभी हम सुबह का 10 बजे है और हम निकल चुके हैं साइकिल पर और सरबहाल यूँ तो झारसुगुड़ा बस स्टैंड से तकरीबन 3 किलोमीटर के अंदर है। तो गाइज वहाँ पर हम चलते हैं झारसुगुड़ा बस स्टैंड से 3 किलोमीटर, हमारे घर से तकरीबन हो जाएगा 4 किलोमीटर के अंदर। तो गाइज फिलहाल तो मैं बीच का रास्ता होते हुए जा रहा हूँ जहाँ पर सरबहाल का रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो गाइज ये स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है, छोटा है पर अच्छा है, सरबहाल तक आसानी से पहुँचा जा सकते हैं, ज़्यादा करीब होगा वहाँ पर। तो गाइज यूँ तो झारसुगुड़ा बस स्टैंड तक हम जाने के लिए झारसुगुड़ा का कई सारे रेल पटरी वगैरह पार करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। ये रेल पटरी पार होने के लिए हमें कई बार वेट करना पड़ता है, कभी ट्रेन आए, कभी गेट पड़ जाए या तो कुछ भी हो, पार करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यूँ तो हम अभी देख रहे होंगे सरबहाल का ये जो रेल फाटक है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी का जो यहाँ पर है अभी बाजार जैसा बाजार बैठ रहा है चारों ओर, मतलब रोड के दोनों साइड काफ़ी सारे लोग भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगा इन दिनों। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे सामान वगैरह, सब्जी वगैरह और बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो बहुत सारे लोग खरीदारी वगैरह करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस ये जो फाटक है सरबहाल का, यहाँ से 800 मीटर के अंदर एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उस पेट्रोल पंप के ठीक नज़दीक ही सामने ही एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो काम क्या है चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का कुछ नज़ारा। तो गाइस ये रहा राइट साइड है पेट्रोल पंप और ये जो काम चल रहा है ये देखिए किस बारे में है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ऊंचा दीवार जैसा बनाया जा रहा है, आपको बता दें कि यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है जो सरबहाल के जो रोड है और फाटक में जो सब असुविधा वगैरह होता है उसको आसान करने के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके वजह से काफ़ी सारे लोग आसानी से टाउन वगैरह जल्दी से पहुंच सकते हैं, उतना वेट करना नहीं पड़ेगा। तो गाइस ये जो बाड़ा दिया गया है यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है, ये कुछ ही सालों के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और झारसुगुड़ा वासी के लिए बहुत राहत मिलेगा। आप सभी को पता ही होगा ब्रिज वगैरह बनने से काफ़ी सारे मदद मिलता है लोगों को। तो गाइस ये रहा ब्रिज का रोड से कुछ थोड़ा बहुत नज़ारा, काम कैसे चल रहा है देखिए, काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। और अभी हम जाएंगे उस ओर जाएंगे और उधर का भी कुछ नज़ारा दिखाएंगे, उधर कितना कर रहे हैं, मतलब रेल पटरी का उस ओर भी जाकर दिखाएंगे आपको कुछ नज़ारे। तो चलिए, और गाइस अगर कोई हमारे चैनल नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और थैंक यू सो मच जो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हो। और ये देखिए ये फाटक जो देख रहे होंगे आप, ये इसको पार करके आप वेदांत की ओर जा सकते हैं। वेदांत के लिए यहाँ से भी रास्ता गया है और यहीं से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो सरबहाल हाई स्कूल तक जाएंगे और टाउन तरफ भी जाएंगे, और राइट साइड का जो रास्ता गया है वो है वेदांत की ओर। तो गाइस हम अभी लेफ्ट साइड जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। गाइज मैं रोड का जो रेल पटरी का इस ओर तो आ चुका हूँ और इधर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। देखिए एक खंभे जैसे दिख रहा होगा, ये ब्रिज का कुछ अंश बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी काम, बहुत सारे काम बाकी है, वो कुछ ही सालों में कंप्लीट हो जाएगा और इसके वजह से काफ़ी राहत मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.